निकल के जाते हैं होटल से, सामान वामान वगैरह वगैरह ला के फिर यहाँ पे पार्टी करते हैं। बहुत 1998-99 इसका निर्माण हो रखा है। अच्छी हवा चल रही है और तो पसीने से जिस टाइम पैदल आ रहे थे ना उस टाइम तो ऐसा हो रहा था ना, अब तो बस ये वाला नंबर है मेरा। होटल पता नहीं है हॉस्पिटल या होटल के रूप में बैठते हैं, जोंक लग गई, गद्दी में नहीं बैठते हैं तो इस वजह से अब मैं यहाँ ला रही हूँ, घर से ही ला रही हूँ, अपने ससुराल से ही। अब बहुत पहले से आए हैं लोग भी जो कि दिखा रहे हैं, अभी वो कतार में ही खड़े हैं, टुकन देते हैं तो नंबर के हिसाब से बुलवाते हैं। तो मुझे तो ये हम लोग खूबसूरत वादियों से जा रहे हैं पैदल यात्रा और आधा रास्ता तय कर लिया है हम लोगों ने। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरी YouTube चैनल रोजदीप रावत में। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से और मैं जा रही हूँ काव्या को दिखाने के लिए, मतलब झड़वाने के लिए, यही पंडित जी के पास डुंगरी में डुंगरी उनका गांव है। तो हम लोग मानेसर से पैदल आए, जिस दिन हम पहले बार आए थे उस रास्ते से आए थे, उस साइड से झाड़ियाँ थी, इस वजह से अब हम लोग मानेसर साइड से घूम के आए हैं। ये रोड ही रोड आए वहाँ से, तो बहुत भयंकर झाड़ियाँ हो रखी हैं और जोंगी जोंग हो रखी हैं। और मैं आज सीबी को भी लेके आई हूँ, काव्या तो आगे को चले गई है। और ये फाइनली हम लोगों ने आधा रास्ता तो तय कर लिया है और बहुत दूर और जाना है, रोड भी बहुत ख़राब हो रखी है, कीचड़ जैसे पड़े हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी मम्मी का, तो कहाँ जा रही है करके, मम्मी ने कहा पैदल क्यों जा रही है, तो मम्मी ने भाई को भेज दिया, तो इस वजह से फिर मानेसर तक अजय लाया, वो भी हम क्या कहते हैं कच्ची रोड में नहीं लाए गाड़ी, वो भी आधे रास्ते में रख के आए हैं। ये जो कच्ची रोड है इसमें पैदल चल के आ रहे हैं हम लोग। सिब्बू यहाँ देखो बब्बिया, वो कौन है, ये कौन है, ये हमारी छिब्बू है। भीड़ तो इतनी लगी है ना क्या बताऊँ। चावल नहीं लाए हैं, मतलब ऐसे ही झड़वाने के लिए आए हैं, टुक्का नगरा वगैरह लेना है, तो यहाँ से झाड़ के ठीक हो रखी है, तो इस वजह से मैं उसको झड़वा रही हूँ। जहाँ पहले झड़वाती थी तो क्या हुआ कि वहाँ उन पापा एक्सपायर हो गए, तो वो अब गद्दी में नहीं बैठते हैं, जोंक लग गई, गद्दी में नहीं बैठते हैं तो इस वजह से अब मैं यहाँ ला रही हूँ, घर से ही ला रही हूँ, अपने ससुराल से ही। अब वहाँ से जाऊँगी मैं, एक आध दिन में चले जाऊँगी, तो फिर उसके बाद वहीं से लोहाघाट से ही लाऊँगी, भाई रहेगा मेरे साथ, भाई को भी ले जा रही हूँ इस बार। चलो फिर आप लोग उससे फिर मिलते हैं, हम लोग चलते हैं। चलो ये वाला नंबर है मेरा। कैसा मुंह बनाया जी, पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, तो मैं चुपचाप धीरे धीरे बोल रही हूँ, यहाँ जोर से बोलना मना है इस वजह से, है ना। चलो फिर अब हमारे नंबर आता है 102 में। सीबी को मछली चाहिए, देख सकते हो आप उस मछली को देख रही है वो। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनका पालन करना है यहाँ पे, जो कि इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पे पोल्ड। एक इधर पे है ये फूल तोड़ना मना है, और क्या कहते हैं, वैसे भी मैं वैसे ले गई बट ले जाना नियम का पालन किया ही नहीं मैंने, और ये इसका तो पालन किया ही। चलो फिर चलते हैं, हम लोग वापस आ गए हैं, फाइनली नंबर आ गया था हम लोगों का, तो हम लोग जा रहे हैं अब घर को। ये हम लोग खूबसूरत वादियों से जा रहे हैं पैदल यात्रा और आधा रास्ता तय कर लिया है हम लोगों ने, आधा और करना है। यहाँ से हम लोग कच्चा रास्ता है ना, यहाँ से अभी मतलब दो बच्चों को ले जाना इम्पॉसिबल है, इस वजह से हम लोग स्कूटी ऊपर ही छोड़ के आए हैं, तो यहाँ से पैदल आए हैं। अब आ गए वहाँ से, वापस आ गए हम लोग, अब जा रहे हैं पैदल पैदल। अभी तो स्कूटी ऊपर रखी है, कच्चा रास्ता है, देख सकते हो आप लोग भी, इसमें स्कूटी रपटने की डर लगी रहती है। हम लोग तो क्या संभाल लेंगे, बच्चों में नहीं संभाला जाता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। चलो फिर मैं भी तभी इस वजह से स्कूटी घर से नहीं लाई, तो मेरी प्रॉब्लम है जो मैं वो बाद में बताऊँगी आप लोगों को कि किस लिए नहीं लाई, क्यों, किस वजह से। चलो फिर हम लोग चलते हैं। और ये जो जहाँ पे हम लोग आए हैं ये है डुंगरी, यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हो, बहुत ही अच्छे हमारे गांव के ही पंडित है, वो धामी जी भी हैं, पंडित भी हैं, तो उनके यहाँ हर लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बच्चों को दिखाने, बड़ों को दिखाने, जो भी घर की समस्या हो, कुछ भी बात उनके साथ शेयर कर सकते हो आप लोग,
तभी हम लोग यहीं आते हैं। हमारे तो नज़दीकी हैं, हम तो यहाँ से सुबह आए हुए, बहुत पहले से आए हैं लोग भी जो कि दिखा रहे हैं अभी, वो कतार में ही खड़े हैं, टुकन देते हैं तो नंबर के हिसाब से बुलवाते हैं। तो मुझे तो झाड़ना ही था, तो इस वजह से हमें, बच्चों की वजह से हमें जल्दी झाड़ दिया, वैसे भी नंबर के हिसाब से ही झाड़ा हमें। तो चलो फिर, अब क्या कहते हैं, अब ऐसी धूप लग रही है ना, बोलने में भी ऐसी दिक्कत हो रही है। एक अजय के हाथ में तो काव्य है, मेरे हाथ में सीवी है, और धूप लग रही है ऐसी भयंकर, और वैसे पेड़ों की हवा आ रही है तो अच्छा लग रहा है। चलो फिर हम लोग चलते हैं, अब घर ही जाके मिलते हैं आप लोगों से। चलो, अच्छी हवा चल रही है, और तो पसीने से जिस टाइम पैदल आ रहे थे ना उस टाइम तो ऐसा हो रहा था ना, अब तो बस हवा चल रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये दोनों तितलियाँ, मेरी छिपकली और मामू, ये चलो फिर यहाँ की रास्ता, यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। हाँ चलो, कैसा रास्ता है, झाड़ियाँ कीचड़ कीचड़ हो रखी है यार। पहुंच गए हैं पार्क में, मानेसर पे, मानेसर के पार्क में। ये हवा चल रही है तो हम लोग इधर पे बैठे हैं थोड़ी देर। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा काफ़ी कभी नहीं आई, फर्स्ट बार, सी भी फर्स्ट बार, और मैं भी एक बार आई थी इसके पापा के साथ, जो कि अब दूसरी बार आ रही हूँ बच्चों के साथ। उस टाइम पे शादी के टाइम पे आई थी मैं एक बार यहीं से शादी के बाद, तो अब आई हूँ अभी भाई के साथ। भाई भी आया है, वो तो ऊपर को चले गए। आप लोगों को दिखाती हूँ मानेसर का पार्क घूमने के लिए। गर्मियों में, वैसे गर्मियों में सही है घूमने के लिए भी, और ठंडियों में भी घूम सकते हो। मैं अभी जा रही हूँ यहाँ पे ऊपर पे, चलो फिर चलते हैं। कितनी अच्छी हवा आ रही है, बहुत ही सुकून मिल रहा है इधर पे। काफ़ी सीबी को देखो, ये पता नहीं किसने सिखाया इसको ऐसे खाना। अब भाई को घर ही तक का ले जाती हूँ, मैं वहीं पहुँचाने के लिए आएगा। चलो फिर आप लोगों को मैं यहाँ पार्क का सैर करा लेती हूँ, पार्क की सैर करा लेती हूँ मैं, करती हूँ पहले, घूमती हूँ और आपको भी घुमाती हूँ। शुरुआत, एंट्री मैंने कर ली है, गेट है वहाँ से। चलो फिर मैं पूरा दिखाती हूँ आप लोगों को, देख सकते हो गेट जो कि खुला है, ओपन है, और कोई भी आ सकता है यहाँ पे। द्वारपाल तो कोई खड़ा नहीं है, द्वारपाल मैं ही खड़ी हूँ, इधर पे बैठी हूँ। चलो फिर चलते हैं, मानेसर के पार्क में आ रखे हैं। और क्या कहते हैं, काफ़ी तो ऐसे घूम रही है इधर उधर, मम्मा घर को नहीं जाते कह रही है, पता नहीं इसको यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। वैसे है बहुत ही अच्छा है, हरियाली हरियाली छा रही है, हम लोगों ने घूम लिया है यहाँ पे। तो अब मेरे लिए हो रही है, भाई के लिए हो रही है, देखिए मम्मी का फोन आ रहा है, तो आ जा रहा है, कोई घर को जा रहा है, तो हमें घर तक छोड़ने के लिए आएगा। तो आप लोगों को दिखा सकते हैं, आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। वैसे तो फ्री का तो एंट्री कहीं नहीं होता है, सबसे पहली बात यही होता है, ये मानेसर पे, मानेसर पे ये पार्क है जो यहाँ लोग सब लोग आते हैं घूमने के लिए भी आते हैं, जिसकी बर्थडे पार्टी जो भी सेलिब्रेट करना होता है तो ये लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ से मेन हाईवे है ना, ये मार्केट, ये चंपावत से जाने वाली रोड है, ये इस रोड से जाते हुए गुजरते हुए यहाँ होटल पे जाते हैं, होटल से सामान वामान वगैरह वगैरह ला के फिर यहाँ पे पार्टी करते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे करने के लिए, घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे। चलो फिर, हवा कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या कहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, लगा रखी है इसने बट स्वेटर पहनी है। बट यहाँ पे ऐसा होता है ना, गर्म धूप ऐसे आती है, जिस टाइम हवाएं नहीं चलती उस टाइम धूप आती है, तो हवा चलती है तो उस टाइम मुझे ठंडा फील हो रहा है। सुबह के टाइम पे तो ऐसा हुआ था, मौसम बादल लगे हुए थे, तो अचानक ही धूप आई, अचानक ही चटक फेंक कर वाली धूप आई, पैदल अदर चल रही थी, तो इस वजह से मुझे गर्मी लग रही थी। तो अभी मैं स्वेटर पहन के आई हूँ, मौसम का कुछ भरोसा नहीं हो रहा है ना इस सीजन पे, तो किस टाइम दबक जा रही है, किस टाइम मौसम अचानक ही गर्म हो जा रहा है, अचानक ही ठंडा हो जा रहा है, और अचानक ही बारिश पड़ जा रही है, और ओले ओले सब एक साथ ही हो जा रहे हैं। चलो फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ से, घूमते दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा है, क्या है करके। चलो दिखाती हूँ, I'm not afraid.
ठंडी हवा चली ही लगो प्यारी चली पुरवाई खेतों में गे बहार फागुन खिलूला हम मेरू पहाड़ फागुन खिलूला हम मेरू। हम लोग वापस आ गए हैं घूम घाम के वहां से, अब घर को चलते हैं। चलो फिर अजय लोग तो आगे वेट कर रहे हैं मेरा। ये